आईपीएल समय पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन रंग दे बसंती। जिन लोगों ने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए उनको एक बार फिर से बता दें, आईपीएल समय और कोबरा पोस्ट के खुफिया कैमरे में फंसे हैं सेना के कई रिटायर्ड ऑफिसर्स और बीएसएनएल के अधिकारी। पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए बनाई गई डीजीआर की योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर पूर्व सैनिकों का शोषण किया जा रहा है, उनकी तनख्वाह वर्दी और भत्ते का सौदा किया जाता है। कोबरा पोस्ट के जमशेद खान और सैयद मसरूर मेरठ में एक रिटायर्ड कर्नल से दलाल के भेष में मिले। ये रिटायर्ड कर्नल मोटे कमीशन के बदले फौरन अपनी सिक्योरिटी एजेंसी भाड़े पर देने को तैयार हो गया, जबकि कानूनन ऐसा करना जुर्म है। सरहद पर जान की बाजी लगाने वाले पूर्व सैनिकों को धोखा दिया जा रहा है, उन्हें लूट रहे हैं फौज के ही रिटायर्ड अफसर। इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने के लिए हमारी टीम पहुंची मेरठ। यहां हमारी मुलाकात हुई शारदा सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक रिटायर्ड कर्नल महेश चंद्र से। कर्नल महेश को हमने चारा फेंका, कहा हम उनकी सिक्योरिटी एजेंसी को चलाएंगे और बदले में देंगे मोटा पैसा। कर्नल साहब हरे हरे नोटों की खुशबू आते ही लार टपकाने लगे। आप भी देखिए सेना का ये पूर्व अधिकारी कैसे दलालों की तरह मोल भाव कर रहा है। वो आप करते रहो क्योंकि इसमें भी बचत है। ठीक, अरे सर पैसे का और एक बार फाइनल कर लेंगे, पैसा कितना आप लेंगे? आप बताओ मुझे तो, जितना दे देंगे सर ले लूंगा, मुझे तो दिक्कत नहीं। ₹300 पर गार्ड नहीं सर, सॉरी वो जमाना। आप बताइए सर। नहीं बेटा मुझे सीधा बता दो इतना होगा सर, शर्त में रख दिया ना मेरा ना आपका सर। 500 पर गार्ड, ₹500 पर गार्ड, 450। ठीक है, डन, 450। आई डोंट वांट दैट मच ऑफ मनी। ठीक है, ये योजना पूर्व सैनिकों के कल्याण से जुड़ी है, लेकिन हैरानी की बात है कि सेना के रिटायर्ड अफसर पैसों के बदले किसी को भी अपना नाम इस्तेमाल करने की छूट दे देते हैं। साथ ही खुलेआम पूर्व जवानों के साथ भेदभाव किया जाता है। दरअसल डायरेक्टर जनरल ऑफ रीस्टैब्लिशमेंट की एक योजना होती है, जो सैनिक रिटायर हो जाते हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद किसी तरीके से रोजी रोटी चले, कहीं नौकरी लग जाए, इसलिए सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पर तमाम जो पूर्व जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, कर्नल मेजर की पोस्ट रिटायर होते हैं, उनको सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लाइसेंस दिए जाते हैं और उसमें वो तमाम पूर्व सैनिकों को अपने नौकरी पर रखते हैं। और क्योंकि ये रिटायर्ड सैनिक होते हैं, फौज के लोग होते हैं, तो कोशिश होती है कि सरकारी दफ्तरों में इनको नौकरी मिल जाए, गार्ड की नौकरियाँ मिल जाए। लेकिन इस पूरे कांड में पूर्व सैनिक अधिकारी भारत सरकार के वर्तमान के अधिकारी मिलकर दलालों का रूप धर लेते हैं और दलालों के साथ मिलकर इन सैनिकों का शोषण करते हैं, इनकी तनख्वाहें मारते हैं, इनकी भत्ते मारते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी है भारत सरकार के बीएसएनएल बरेली के एजीएम वीके भास्कर साहब, जो लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कैमरे में कैद हुए हैं। हालांकि नहीं मानते उन्होंने कुछ भी गलत किया है, आप यही कहना चाहेंगे भास्कर साहब? जी हाँ। और जो तस्वीरें हैं उसके बाद क्या आपको लगता है कि IBN 7 जानबूझ के आपको लगा इस मामले में फंसा रहा है? जी क्या आपको लगता है कि हम आपको जानबूझ के फंसा रहे हैं? ये आरोप गलत हैं जो लगाए जा रहे हैं। जो हम तो आप तो कह रहे आरोप गलत है, लेकिन जो हम आपको दिखा रहे हैं इसके बदले में क्या आप मुकदमा करेंगे हम लोगों पर? नहीं जी। क्या आप कोर्ट कचहरी करेंगे? तब बात सोचेंगे, जब मुकदमे की बात आएगी तब सोचेंगे। तब सोचेंगे जी। कल सुबह कल तो इतवार है, परसों से दफ्तर जाएंगे? जी बिल्कुल जाएंगे। चलिए भास्कर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहे और लगातार इस बात से इनकार करते रहे, आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, साफ तौर पर कैमरे में पैसे ले रहे हैं, 10,000 रुपए ले रहे हैं और 10-20 हजार बोल के 10,000 दिए गए, तो बाकी 10,000 कम देने पर शिकायत भी करते अपने एक साथी से और खुलकर यहाँ पर कह रहे हैं कि उनसे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो तमाम बातें गलत हैं। वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक के बाद देखेंगे सेना का रिटायर्ड मेजर किस तरह लूट रहा है पूर्व सैनिकों को।